कल और आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे ज्योतिष विद्वान अतिरिक्त महारिद लोग राहु के बारे में बोलने लगे, राहु के स्थिति कैसे रहता है सब कुछ बताने लगे। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ 2 मिनट में राहु और केतु कैसे हम साथ खेलते हैं, हमको ज्ञान देते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। माँ के गोद में जब रहता है बच्चा, 6 महीने होने के बाद उस बच्चा को सोच विचार की स्थिति होती है। मेरा हिंदी थोड़ा खराब है, गलत नहीं समझना, तेलुगु आता हिंदी बोल नहीं सकता, फिर भी बोलेगा तो 6 महीने के बाद से हमारा पूर्व लोग रामायण महाभारत पढ़ने के लिए बोलते हैं, सुंदरकांड पढ़ने के बोलते हैं उस माँ को, ताकि उसका अच्छी ज्ञान मिले और जब बाहर आते हैं तो सोच विचार अच्छा रहे। इसलिए ईजी मतलब विदाउट ऑपरेशन उस माँ की गोद से बच्चा आने के लिए सुंदरकांड पढ़ने के बोलते थे, तो वही करते थे। आजकल तो वो पूरा नहीं, ऑपरेशन को सभी लोग चले जा रहे हैं। ठीक है, जब ये मंत्र करते हैं रामायण महाभारत में तो सुंदरकांड पढ़ते हैं ना, तो बच्चे को जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान जो है केतु ग्रह के प्रभावित से होता है। ये मेरा अनुभव से बता रहा हूँ, मैं अपना एनालिसिस से बता रहा हूँ। ठीक है, वो केतु ने क्या सोचता है, जो भी मानव जन्म उठाता है उसी को मोक्ष मार्ग मिलता है, किसी और जन्म में ही नहीं मिलता है। ठीक है, तो केतु मोक्ष देने वाला है नवग्रह में, तो केतु भारतीय क्षेत्र में रहने से मोक्ष मिलता है और दूसरा जन्म नहीं रहता, बल्कि शास्त्र में भी बताया गया। तो केतु 6 महीने से 9 महीने होने तक अंदर से उनको ज्ञान देता है कि मानव जन्म उठाओ और मोक्ष मार्ग के लिए प्रयास करो बोल के। लेकिन जब बाहर आता है तो राहु उसको गोद में ऐसे लेकर बोलते हैं, जो केतु अंदर बोला है ये सब झूठ है, इसमें माया प्रपंच है, इसमें आप जो जो भी सीखना सीख लो, धन दौलत योग सब कुछ मिलता है, आनंद मिलता है और सब चीजें मिलता है, उसके एंजॉय करो बोल के राहु उस बच्चे को बोलता है। वो जिस जगह पर बैठा है वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते इस दुनिया में जितने भी संसार में जितनी चीजें हैं हर को सुख पाने के लिए प्रयास करता है। राहु तो और केतु की विचार इस तरह रहता है, बीच में गुरु आता है गुरु से ज्ञान देने के लिए, बुध ग्रह आता है मेदस देने के लिए, रवि ग्रह आता है स्टेटस देने के लिए, चंद्रमा आता है मन शांत करके मन की अच्छी योजना बनाने के लिए। इस तरह एक एक ग्रह आने के टाइम पर राहु उसको सेट करके बोलता है इस दुनिया पूरा मेरा ही है, इसलिए मैं जो बोलता हूँ वही चलते रहते हैं। राहु का विचार उस तरह रहता है, ये राहु का माया में हम सब लोग रहते हैं। तो क्या हो जाता है, केतु ग्रह क्या करता है, जब माँ की गोद से आने के बाद वो जो सिजरिन कट करते हैं ना, नाभि के बाद रहता है और नाभि से मूलाधार बोलते हैं, मूलाधार से चक्र से बाहर आकर ज्ञान से मोक्ष मार्ग देता है केतु। इस केतु के बारे में आज और कल जो हुआ बातचीत नहीं हुआ है, इसमें हम इसके बारे में बता रहे हैं। तो ये केतु मोक्ष मार्ग देने वाला है, केतु का अधिष्ठान भगवान है गणेश महाराज है, इसलिए गणेश महाराज के जो प्रवचन करते हैं, गणेश महाराज के जो मंत्र करते हैं, उसको एक मार्ग मिल जाता है, किस मार्ग से लोगों को दुनिया को एस्ट्रोलॉजी की वॉइस से हम एक सावधान से आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं आप सभी लोगों को ये केतु का जो साधना करना है मोक्ष मार्ग चाहिए, ज्ञान मार्ग चाहिए एस्ट्रोलॉजिकली, वो केतु की वजह से होता है बता सकते हैं। आप यहाँ पर आए हैं, हैदराबाद से आए हैं, बिलाई से हुए भट साहब और चौधरी साहब जैन साहब, इन लोग ने हमको बुलाए थे यहाँ पर, तो हम इधर आ गए हैं। तो हमको ज़्यादा बोलना हिंदी में आता नहीं, फिर भी जो कुछ हमको जानते हैं थोड़े बहुत बोल दिया है सबको। नमस्कार।